प्रणाम। काफ़ी लोगों के हृदय में जिनका स्थान है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो छाए हुए हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक के इन अनेकों प्लेटफॉर्म्स पर जिनके हज़ारों फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में जिनके व्यूज़ आते हैं, शासन सेवा के कई कार्यक्रमों से भी ये जुड़े हुए हैं, गिरनार की गौरव गाथा, संयम स्पर्श, शासन स्पर्श जैसे अनेक कार्यक्रमों में हज़ारों की तादाद में जो लोग इनके लाइव प्रोग्राम्स देखने के लिए आते हैं, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अपनों से अपनी बात के इस शो के माध्यम से हम जानेंगे सुरेश भाई के जीवन के कुछ उन पहलुओं को जो कभी किसी के सामने नहीं खुले हो। उनके जीवन की इस किताब के कुछ पन्नों को हम खोलने जा रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा आप सभी का इस शो के अंदर। स्वागत करते हैं सुरेश भाई, चेन्नई। प्रणाम। प्रणाम सुरेश भाई। आज तक शायद कोई भी नहीं जान पाया, मैं भी आज तक नहीं जान पाया कि आपकी आपका सरनेम क्या है। सभी कोई सुरेश भाई चेन्नई के नाम से जानते हैं, कोई सुरेश भाई गिरनार वाले, कोई सुरेश भाई जो तीर्थ स्पर्श का कार्य करते हैं, तीर्थों के अनेक कार्य करते हैं, उसके माध्यम से आपको जानते हैं। आपका सरनेम क्या है वो आज हमें बताएं। सच में चेन्नई बहुत सालों से रहना हुआ और कार्यक्रम जब करना शुरू किया तो लोगों ने उसके साथ सुरेश भाई चेन्नई जोड़ा, लेकिन वास्तविक सरनेम तो चौहान है। हम चौहान। हाँ चौहान। ओके। पृथ्वीराज चौहान के वंशज नहीं है, मालूम नहीं हो गए तो भी मालूम नहीं। ओके। लेकिन चौहान वंशज के है, चौहान सरनेम है हमारा। लेकिन चेन्नई बस वो कार्यक्रम के दरमियान जो जुड़ा वो ऐसा जुड़ा कि आज तक सरनेम की जगह चेन्नई जुड़ गया है। तो ये सरनेम जो है वो हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो लोग है, उनका दिया हुआ है। लोगों ने दिया हुआ है, कई बार बैनर्स लगते थे उसमें किसी ने शुरुआत कर दी होगी। okay. उससे वहां जुड़ता गया। वो दीपक भाई बारडोली को आप शायद जानते होंगे। जी बिल्कुल। तो दीपक भाई बारडोली, बारडोली को उनका सरनेम नहीं है। ओके। लेकिन वो भी इसी तरह से, और उनको तो कितने साल हो चुके हैं अहमदाबाद शिफ्ट हुए हुए, लेकिन आज भी दीपक भाई तो दीपक भाई बारडोली के नाम से ऐसे जानते हैं। तो उस दिन से वो सरनेम उनका, जैसे उनको भी उस तरह से सरनेम जुड़ गया। खास बात तो मैं आपको बताऊं कि हम अहमदाबाद में, जब मैं अब तो शिफ्ट हो चुका हूँ जी, तो अहमदाबाद में जाते हैं और अहमदाबाद में भी कार्यक्रम हो ना, तो वहाँ पर भी सुरेश भाई चेन्नई वाले तो ये बहुत ये तकलीफ दे तो नहीं लगता है, लेकिन ये मतलब जुड़ गया है शायद जिंदगी के कब तक लंबे हिस्से तक ये नाम चेन्नई सरनेम जुड़ा रहेगा लगता है। तो आपका, जैसे हमें पता है कि आपका जन्म जो है वो राजस्थान के एक छोटे से टाउन जसवंतपुरा में हुआ, मामा का घर पर हुआ, क्योंकि मैं पहला लड़का था ना। ओके। और हमारे यहाँ ऐसे एक सिस्टम है कि पहला लड़का आपके यहाँ भी होगा लगभग, पहला लड़का होता है तो मामा के घर पर जी, होता है। जी, बिल्कुल। तो वैसे ही तो जसवंतपुरा ऐसे हम मोहब्बत नगर के, ओके, सिरोही के जिले के एक नजदीक का गाँव है, छोटा सा गाँव है मोहब्बत नगर। तो गोड़ी पार्श्वनाथ भगवान का बहुत बड़ा तीर्थ है। okay. बहुत प्राचीन तीर्थ है, लेकिन पहले लड़के के हिसाब से जसवंतपुरा। okay. जालोर जिले में आया हुआ है। तो आप लगभग 32 साल चेन्नई में आपने बिताए और अभी आप अहमदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं, आपको कितना समय हुआ अहमदाबाद आकर? लगभग 4 साल के आसपास अहमदाबाद हुआ। चलिए आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपकी जिंदगी कैसे रही, हाईफाई था या एक मिडिल क्लास जैसा माहौल रहा? जिंदगी को पन्ने को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सच में ऐसे पब्लिकली कभी आई नहीं है, कुछ पर्सनल रहा जिंदगी, तो बहुत सारी चीज़ें आज पहली बार इस माध्यम से अपनी जिंदगी को, पन्नों को खोलने के, अपनी जिंदगी के अंदर जाने का, झांकने का मैं भी प्रयास करूंगा अपनों से, अपनों की बात के माध्यम से। सच बोले तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे। पापा भी बिजनेस या दूसरे सर्विस भी रहे हुए थे। 2500 रुपये में घर हम चलाना, ऐसी परिस्थिति से भी हम गुजर कर आए हैं। तीन भाई एक बहन का परिवार था, बड़ा परिवार, फिर भी मम्मी और सब ने सभी स्थिति को संभाला, सब तकलीफ़ वाले पलों से भी हमको संभाल कर बड़ा किया। पहला था मैं, पहला था। आपको बताओ, पहला था तो बहुत, और शादी के, मम्मी पापा की शादी के बाद 5 साल के बाद के आसपास में हुआ। बहुत सारी मन्नतें उन्होंने मांगी थी, आज भी मैं 18 साल का था तब तक मैं मन्नतें पूरी करता रहा। मम्मी ने मुझे 5 साल, तो वो सब बाल कटिंग वो सब कुछ होता है ना कुल देवता के यहाँ, ये सब तो था, लेकिन उसके सिवा 18 साल के तक की मम्मी को मन्नतें याद आती। मैंने तो यहाँ पर भी मन्नतें मांगी थी कि मेरा लड़का हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो 18-20 साल तक भी मम्मी की मन्नतों को मैं पूरा करता रहा। तो पहले नंबर का था,
तो थोड़ी जिम्मेदारी अब बहुत जल्दी भी आ गई थी मुझ पर भी। मैंने कहा था, बताया आपके पापा की स्थिति बहुत कुछ इस तरह की थी, तो खुद के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ भी बहुत जल्दी आ गया था। बचपन में आपका पाठशाला वगैरह भी जाना होता था? पाठशाला जाते थे, लेकिन सच बोले तो प्रभावना के लालच में प्रभावना के लालच में हाँ, प्रभावना में। और संडे स्पेशली स्नातर पूजा होती थी, तो स्पेशली प्रभावना, अगर आप पूजा के कपड़े पहन कर जाओ तो दो बार प्रभावना मिलती है, डबल प्रभावना, यानी कि दो पेंडे है तो चार पेंडे आ जाएंगे आपके पास। तो इस हिसाब से पूजा के कपड़े भी पहन कर जाते थे। अभिषेक का लाभ मिलेगा स्नातक पूजा में, और उस क्रियाओं का लाभ मिलेगा, उससे ज्यादा दो पिंडे एक्स्ट्रा मिलेंगे तो वो सोच के साथ जाता था। आपको एक किस्सा बताता हूँ, उस समय रामायण आती थी, रामायण। जी बिल्कुल, शायद आपके आपके समय में रामायण का स्वरूप कुछ अलग हो गया है। अभी मैं रामानंद सागर के रामायण बता रहा हूँ। ओके। तो उस समय रामानंद सागर जी का रामायण का इतना क्रेज कि हम 9 बजे के आसपास रामायण शुरू होता था, सन्नाटा छा जाता था पूरा। तो हमारा स्नातक पूजा का जो समय पूरा होने का वो लगभग 9 बजे होता था, और उसके बाद प्रभावना दी जाती थी। रामायण का इतना क्रेज होता था, छोटे थे, मतलब 5-7 साल का थे अंदाजन, तो उस समय की रामायण होगी। तो उस समय धोती पहन कर जाते थे, धोती को संभालना, प्रभावना को संभालना और रामायण को संभालना तीनों करते थे, और भाग भाग कर कई बार छोटे थे तो शर्म, अगर धोती कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो भी इतना अनकंफर्टेबल नहीं होता था, लेकिन रामायण पहुंचना होता था। तो ये थोड़ा इस तरह की छोटी उम्र में पाठशाला प्लस रामायण, सबको एडजस्टमेंट करके जिंदगी आगे बढ़ते गई। प्रभावना के लिए पाठशाला और रामायण को भी संभालना प्रभावना के साथ, ये सच्चा सब कुछ चलता रहा हमारे जीवन। रामायण को कभी मिस नहीं करते थे आप? लगभग कोशिश करते थे कि उस समय छोटे थे तो उसमें जो आज वो आता था सब कुछ, वो एक तरह का एक्साइटमेंट था। Okay. तो उसको उसका था, क्रेज भी था उस समय। आपकी लाइफ में आपकी मॉम का क्या रोल रहा है? बहुत बहुत बड़ा रोल है। परिवार का रोल हमेशा हर किसी के जिंदगी में एक अहम रोल होता है, लेकिन माँ का रोल मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट। मार पड़ी तो मुझे लगता है मैंने जितनी मार खाई होगी really? बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, कुछ भी गलत चीज़ें सहन नहीं कर पाते थे। हमारी ज़िंदगी में संस्कारों के जो थोड़े बहुत अच्छी दुनिया है कि आज हम कोई गलत आदतें हमारे जीवन में नहीं हो पाई, उसके पीछे का कारण माँ। एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि कितने स्ट्रिक्ट थे वो। एक बार छोटे उम्र में थे, दोस्तों के साथ स्कूल में मावा, मैं वो मावा नहीं बोल रहा हूँ आपको, माणिक्षण फंड पर बोलो वो मावा नहीं वो जो मीठा मावा आता था, सुपारी तो मामूली सा कुछ रहता था, वरियाली के साथ उसको ऐसे करके देते थे तो मीठा मावा बोलते थे। तो किसी दोस्त ने आदत डलवाई थी तो वो खाना शुरू हो गया था। पैसे तो खुद के नहीं थे, दोस्त ही देते थे, लेकिन दोस्त मेरे से संबंध थे तो वो मुझे मेरे लिए भी लाता था। लेकिन मम्मा का इतना डर कि गलती से मम्मी को मालूम पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत स्कूल के घर पर जाने से पहले उसको पूरा कंप्लीट करके उसका पेपर को फेंकना करना ऐसा कंटिन्यू करते कि गलती से जेब में रह गया तो जो होगा वो महाभारत ही होगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति थी। और एक बार ऐसा गलती से हो गया वो पेपर, मावा का पेपर रह गया। 2 दिन में एक बार ड्रेस चेंज होता था धोने के लिए, लेकिन गलती से वो दूसरा दिन था। ये भी हमारी तकलीफ, मेरा पुण्य कमजोर है या मेरा पुण्य जोरदार है वो तो मालूम नहीं, लेकिन वो गया मम्मी के हाथ में धोने में, और मम्मी ने वो देखा और मुझे मालूम पड़ गया कि मम्मी ने देख लिया। सच बोल रहा हूँ, इतनी तकलीफ हो रही थी कि अब क्या होगा, और माँ कुछ बोल भी नहीं रही है मुझे। एक बार जो होना है वो निकल जाए ना तो शांति हो जाए, समझ पाया कि ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जो भी मिसाइल फूट आना है, बॉम्ब ब्लास्ट होना है, परमाणु बम फूटने, हिरोशिमा, जो भी होना है, नागासाकी, जो होना है एक बार हो जाए तो समझ है, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रही। तो और ज्यादा टेंशन आ रही है। मैं स्कूल सुबह जा रहा हूँ, रात को ही मालूम पड़ गया था, लेकिन फिर भी नहीं बोला तो और डर ज्यादा। स्कूल जा रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रही, हाँ बात ही नहीं कर रही है, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रही है। तो अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था मैं, और मैं स्कूल पहुंचा, और स्कूल पहुंचने के बाद लगता है मम्मा ने आपको माफ कर दिया। मेरी भ्रमणा नहीं थी, आपकी भ्रमणा हो सकती है क्योंकि मेरी माँ को मैं जानता हूँ तो ये मैं इसमें नहीं था कि मैं मम्मी ने माफ कर दिया, लेकिन मम्मी ने कुछ कहा नहीं, उसका ज्यादा ऐसा था कि क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। तो
तो 8:30 बजे कुछ स्कूल का जाता, 8:30-9 बजे से प्रेयर शुरू कुछ होती थी, और एग्जिट आप यकीन नहीं करोगे एक माँ कितना स्ट्रिक्ट हो सकती है, एग्जिट 9 बजे स्कूल पहुंच गए प्रेयर के समय। अब प्रेयर के समय तो सभी बच्चे इतने सारे होते हैं, सभी क्लास के बच्चे होते हैं, बिल्कुल, और सबको साथ में खड़ा करके प्रेयर करते हैं। वो आई सबके सामने, सबको बता रही है मेरा बच्चा है ना इतना बिगड़ गया है, ये मावा खाता है, मावा खाता है, काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति थी, मुंह नीचे करके, क्योंकि पूरे स्कूल के बीच में उन्होंने जो शेम फील करवाया उसमें बहुत एम्बैरेसिंग था वो। मुझे लगता था कि ऐसा लग रहा कि माँ को नहीं करना चाहिए था, उस समय ऐसा लगेगा माँ को इस हद तक नहीं करना चाहिए था कि एक सबके सामने एक इस तरह के, आज थोड़े विनाश है ना, उस समय तो कितनी विनाश होगी, आज सोच रहा तो घबराहट, उस समय कितनी विनाश होगी कि माँ को ये नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद भी उसने छोड़ा नहीं है, उसके बाद क्लास में आई, जब प्रेयर पूरी हुई क्लास में गई, मैं तो एकदम रो ही रहा था, और क्लास में आकर सब बच्चों को बता, देखो इसने मेरे मावा खाया, मावा खाता है मेरा बच्चा, देखो मेरे बच्चा कैसा हो गया, ये मावा खाता है, ये मानिक्षण खाता है, ये पानपरक खाता है, मतलब वो मानिक्षण या पानपरक नहीं, सिर्फ मावा था, लेकिन फिर भी लेकिन हमारे संस्कारों के उन्होंने इतनी फिक्र थी कि वो इस चीज को भी कभी एडजस्ट नहीं कर पाई थी। मम्मी बहुत गरज लगी थी उस समय कि ऐसी माँ किसी की नहीं होनी चाहिए, ऐसी सोच तक भी चला गया था, लेकिन वो डर या वो संस्कारों की उनकी फिक्र जो भी था, आज भी वरिया लिया आती है ना हाथ में तो माँ याद आती है। आज इतनी बड़ी होने के बाद भी हमारे जीवन में, वापस कहूँगा, मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा, हम दोषों की दुनिया में नहीं जा पाए, हम एक अच्छे से दुनिया को जी पाए, जीवन में दोष नहीं आ पाए, जीवन में बहुत सारी खराबी नहीं आ पाई, तो उसके पीछे माँ का रोल, तो माँ बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन माँ आज बहुत कुछ अच्छा है हमारे जीवन में, वो मेरी माँ आज नहीं है, माँ नहीं है, कोरोना के समय माँ को खो दिया, जब तक रहे वैसे ही स्ट्रिक्ट रहा, दुनिया शायद सुरेश भाई के स्ट्रिक्टनेस से डरती है, कार्यक्रम लेता हो तो बहुत कुछ कि नहीं, सुरेश भाई के कार्यक्रम में अनुशासन, छोटा बच्चा उठ नहीं सकता है या इस तरह का पूरा माहौल रहता है एकदम स्ट्रिक्टनेस का, लेकिन मैं किसी से डरता रहा टिल आज से 2 साल पहले भी, जब तक मेरी माँ थी तो वो मेरी माँ से मैं डरता था, मतलब मेरी एक माँ ही तो मुझे कुछ बोल सकती थी, मेरे कपड़े लाने पर वो इस उम्र में भी मुझे डांट सकती थी कि तेरे पास इतने कपड़े तो क्यों लाया है, ये इस तरह के, मतलब आज तक दूसरा ये कोई नहीं, और उसमें मैंने, और हमेशा लास्ट टिल एंड तक उनका वो अधिकार था, और उन्होंने उस अधिकार का उपयोग किया, और आज आनंद होता है कि उन्होंने बहुत क्लोज था। इवन मामा आज नहीं है, और कोरोना हुआ मुझे, और कोरोना होने के बाद मैं कहीं बाहर था और घर आया और कोरोना हुआ, पापा ने स्ट्रिक्टली कहा कि कोरोना है, और बहुत अच्छे सेकंड मुझे 2 दिन में 63% तक इन्फेक्शन हो गया था, यानी कि 32 के बाद पहले दिन 32 63 इस हद तक हॉस्पिटल एडमिट भी होना पड़ा मुझे, लेकिन एडमिट होने से पहले दो चार दिन मैं घर पर था, उस समय माँ को इतनी फिक्र होती थी, इतनी फिक्र होती थी, पापा उसको बोलते थे कि इसको कोरोना है आप इसके नज़दीक में मत जाओ, तो पापा को बोल देते थे नहीं मेरा लड़का अकेला रहेगा, वो अकेला नहीं देख सकते उसको, तो वो मुझे कोरोना होने के बावजूद भी वो मेरे पास आ जाते थे, मुझसे बातें करते थे, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा वो मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, वो पापा को डांट दिया था कि नहीं मैं रहूँगी इसके पास में चाहे कुछ भी हो जाए, उनको समझाया कि फैल जाएगा आपको भी हो जाएगा, मेरा जो होना होगा होगा, मेरा बच्चा अकेला वो कभी इस तरह से अकेले नहीं रह पाता है, सच बोलो तो मेरी माँ के साथ मैं इतना क्लोज था कि हम रात को भी घर पर जाते था, शायद लोग घर का दरवाजा खोलकर बेडरूम में चले जाते होंगे शादी के बाद कि हाँ एक, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर पाते था, मैं जाकर रात को माँ के पास बैठता था, आधा पौना एक घंटा हम रोज बैठते थे, सच बोलो तो माँ पंचायती करती थी, हाँ पूरे गाँव की बातें करते थे, यहाँ की उसके साथ ये हो गया ना, वो लड़की इसके साथ भाग गई या क्या हो गया, पूरे गांव के पंचायत, मम्मी को बहुत सारा मालूम होता था पूरे गांव का पूरा, और मैं उससे शेयर कर देती, लेकिन उसको खुशी मिले, उसको उसको सुनने वाला कोई हो ना, मैं सच में कहूँगा ऐसा लगता कि एक बेटे को चाहे वो कुछ भी हो माँ को पास बैठना चाहिए, एक मोबाइल को रिचार्ज की जरूरत होती है, बिल्कुल हाँ, तो वो 24 घंटे माँ को एक बस आपका आधा घंटा चाहिए होता, वो रिचार्ज हो जाती है, फ्रेश हो जाती है,
एक तो वो उसके पास बैठता था, तो उससे तो हम हॉस्पिटल, जब फिर मैं हॉस्पिटल हुआ, एडमिट हुआ, माँ उस तकलीफ को सहन नहीं कर पाई कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल है, तो उस तकलीफ का, उस टेंशन के कारण वो भी हॉस्पिटल आ गई और हम एक ही रूम में थे, मैं और मेरी माँ उस समय एक ही रूम में थे, और तकलीफ मुझे ज़्यादा थी, मम्मी को कम थी, लेकिन वो मेरी फिक्र करते करते शायद क्या मालूम उसको ज़्यादा तकलीफ हो गई, और एक दो दिन तक हम साथ में रहे एक रूम में, और उसकी तकलीफें बढ़ती गई, उसको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा, और जब वो मेरे सामने से जा रही थी तो मैंने मम्मी को कहा कि हम, मम्मी ठीक होकर आना, हम लूडो खेलेंगे, हम रोज, मेरे दोनों बच्चे, मेरी वाइफ और मैं, हम सब मिलकर लूडो खेलते थे। तो मैंने कहा मम्मी, ऐसे कहा कि तुम जल्दी आ जाओ पास और फिर लूडो खेलिए ला, तो उसने वो आखिरी स्माइल दे कर गई ऐसे करके, बस वो आखिरी स्माइल मैंने देखी, उसके बाद वापस वो कभी नहीं आई, वेंटिलेटर से उनको और ज़्यादा तकलीफ, उसके बाद तकलीफ, और वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिसकी माँ नहीं है ना, जिसकी आंखें नहीं है ना, वो ना आंखों की कीमत जान सकता है, जिसके पैर नहीं है ना, वो पैरों की कीमत शायद समझ सकता है, जिसकी माँ नहीं होती है ना, वो माँ की कीमत समझ सकता है। आज लगता है कि माँ बच्चे के जीवन में क्या योगदान होता है, क्या रोल होता है, आज वो जहां पर भी हो, मेरे जीवन में आज भी वो जब थी तो भी उसका हाथ मेरे ऊपर था, आज वो कहीं पर भी रहेगी उसका हाथ मेरे ऊपर है, मैं कार्यक्रम करता हूँ तो भी फोटो, भगवान के फोटो रखता हूँ, गुरुदेव के फोटो रखता हूँ, माँ का भी फोटो रखता हूँ, और मेरे पास रहती है वो, मुझे वो शक्ति, वो शासन के लिए कुछ करना, शासन के लिए कुछ बोलना, मेरे भगवान बोलते हैं, मेरी माँ उस समय मेरे सामने रहती है, और आज भी उस तरह से मेरे लिए माँ नहीं, मेरे परिवार मेरे लिए सबसे अहम रही है, तो उसके जाने के बाद उसकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है जीवन में, बहुत खलती है। लगता है आप जीवन का काफी इमोशनल पार्ट मैंने टच कर लिया। बहुत जल्दी आपने खो दिया थोड़ा माहौल को जी सॉरी जी थोड़ा माहौल को डिफरेंट बनाते हूँ। जानते हैं आपकी डेली रूटीन के बारे में, पूरा दिन आप कैसे व्यतीत करते हैं, क्योंकि हमने जैसे जाना है कि आप 36 की एज में रिटायर हो चुके थे, तो उसके बाद आप अपना समय कैसे बीतता है, आपका कैसे समय निकलता है, इसके बारे में बताएं। 32 में सोचा था रिटायर होने का, ओके, 36 में रिटायर हो गया, भगवान की कृपा से जो सोचा है ना वो आज तक भगवान करवाते हैं, कि मुझे थोड़ा प्लान से चलने वाला हो, विजन प्लान थोड़ा दिमाग में रहता है कि किस तरह से अगर 4 साल में मुझे कैसे सेट करना है, ये सब कुछ प्लान के साथ चल। 36 में जब सोचा था वो भगवान ने करवा दिया था। सच बोलो तो उसके बाद कई बार रिटायर होने के बाद जिंदगी थोड़ी आरामदायक होती है, मेरे लिए उल्टा हो गया था। ओके, हाँ, 36 के बाद ज़्यादा मेहनत हो रही है, शासन के लिए कार्य के लिए भगवान ने चुना है ऐसा लगता है, और भगवान करवाते हैं, तो उसके बाद जो समय पहले बिजनेस और शासन के कार्य दोनों मेंटेन करने पड़ते थे, उसके बाद पूरा समय शासन के लिए जाता है। तो रूटीन पूछ रहे, तो मेरा रूटीन कोई फिक्स नहीं है। ओके, हाँ, मेरी जिंदगी ऐसी थी, कल भी हम बैठे तो 1:30 बजे तक रात को काम, शासन के कुछ कार्य के लिए हम बैठे 1:30 बज गए थे, तो और कई लोग पूनम होते हैं ना, पूनम की यात्रा, हर पूनम संकेश्वर जाते हैं ऐसे 12 साल से, 10 साल से, 5 साल से, मेरी जिंदगी में ये भी नहीं हो सकता है, कारण कोई फिक्स नहीं, मैं कहाँ पर हूँ, कौन से कार्यक्रम के लिए, तो रूटीन भी मेरा फिक्स नहीं है, कुछ भी रूटीन फिक्स नहीं। हाँ, एक थोड़ा जल्द थोड़ा सा रूटीन में मैं प्राणायाम योगा को समय देता हूँ। ओके, हाँ, आधा पौना घंटे 45 मिनट्स का आसपास कपालभाती प्राणायाम से जो मैं होते मेरी रूटीन क्रिया में, वो मैं कहीं पर भी हो कोशिश करके करता हूँ, तो ये रूटीन है, बाकी तो जो है वो फिक्स नहीं है, शासन के कार्य के हिसाब से, शासन की स्थिति जहाँ हो उस स्थिति के हिसाब से, मुझे कोई फिक्स रूटीन नहीं बोल सकता हूँ मैं।